अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद वान, आप देख रहे हैं एएसटीवी ज़मान पार्क में मौजूद है। आज 27वीं शब्दी, मेरे साथ शेर खान मौजूद हैं जो खान साहब के भांजे हैं, इनसे बात करते हैं आज कितना बबरकत दिन था और कैसे यहाँ पे रौनक लगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आज तो यहाँ पे जिस तरह 27वीं शब्दी और भरपूर जो है दुआ का एहतमाम किया गया, क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, क्या है इबादत की रात थी, लोग इबादत कर रहे थे, इसकी वजह से हमने वो खान साहब की तरफ से फंक्शन भी था जिसमें इबादत की और चीची बातें हुई। अच्छा मुझे बताइएगा, ईद के हवाले से अगर बात की जाए तो ईद पे जो है ना एक पैगाम मिल रहा है जी पीडीएम की तरफ से कि हम भरपूर तरीके से बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, उनको लगता है कि लोग कम होंगे, इसलिए उनको लगता है ये मौका ये हो सकता है। एक और तरीका होता है, कोर्ट्स बंद होंगे तो वो कोई FIR कटवा सकते हैं और जिसका आप बेल नहीं ले सकोगे क्योंकि कोर्ट्स बंद होंगे, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए वो शायद ऑपरेशन करें, लेकिन बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। उनको पता है कि उनको नहीं पता कि अभी कितने लोग मजीद कल आने वाले और ईद के लिए कितने लोग होंगे, कितने पड़े हैं। तो सर मुझे बताइएगा, 75 साल में ये पहली बार ऐसा मेला लगा है जो पिछले 3 माह से चला और रमज़ान के महीने में यहाँ पे पंजाबी सिंधी बलोची बल्कि जिस मजहब का मर्जी बंदा हो वो यहाँ पे ज़मान पर में सारी सारी कर रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूरी सारी कौम कटी है, पर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी इतने उन्होंने शमूलियत कर रहे हैं, फर्क फर्क जगहों से आ रहे दुनिया से, और अपना आप इस मूवमेंट में अपना पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, या कोई लड़ रहा है, या कोई खाना दे रहे हैं, या कोई रखवाली कर रहे हैं, सारों का वही एक ही मकसद है, खान साहब की हिफाजत करना और सारे इधर हैं इस चीज़ के लिए। सर लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से, जिस तरह इन्होंने बोला है कौम को क्या करना चाहिए? कौम को इधर पहुंचना चाहिए, इधर पहुंचे हैं, इसमें इस पूरा ये पूरा ईद का जिस तरह कहते हैं ईद का ईद होगी फिर टरू होगा कॉन्सर्ट, इधर मेला लगा होगा। सर खान साहब अपने कारकुनान के साथ ईद पढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शेर खान जो मौजूद थे हमारे साथ, उनका यही कहना कि खान साहब अपने कारकुनानों के साथ जो है ईद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ईद पे भी भरपूर कवरेज देंगे आपको। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। किसने सेंड किया?